अपने हार्ड स्किल्स के साथ साथ ये तीस सॉफ्ट स्किल्स होना जरूरी है अगर आप अपने करियर में एडवांस करना चाहते हैं कौन से हैं ये तीस सॉफ्ट स्किल्स जो बिफोर ऑफ 30 आपको अक्वायर करने जरूरी है दोस्तों हम बहुत सारे हार्ड स्किल्स तो अक्वायर कर लेते हैं कॉलेज के थ्रू काम के थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू चाहे वो एक्सेल हो अपना कॉमर्स हो इंजीनियरिंग हो सेल्स हो मार्केटिंग हो लेकिन एज समन हैज स्पेंड ट्वेंटी प्लस इयर्स इन द इंडस्ट्री वर्किंग वेदर फॉर अ कंपनी और बिल्डिंग माई ओन या अगर आप किसी भी ऐसे शख्स से बात करेंगे जो एक सीनियर पोजिशन में हैं एक कॉपोरेट जॉब कर रहे हैं दे विल टेल यू दैट अन द थिंग दैट हेल्प्स यू एडवांस इन योर करियर सॉफ्ट स्किल्स जो आप जानते हैं एज अ हार्ड स्किल वो तो ऑलमोस्ट फॉर ग्रांटेड ही माना जाता है लेकिन अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है कम्युनिकेशन के लिसनिंग स्किल्स के नेगोसिएशन के राइटिंग के देन यू विल नॉट बी एबल टू एडवांस यू नॉट बी एबल टू लीड टीम्स आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकते आप लोगों से काम नहीं करवा पाएंगे आप एक टीम का भाग नहीं बन पाएंगे आप एक लीडर या एक मैनेजर नहीं बन पाएंगे एंड ऑल ऑफ योर हार्ड स्किल्स विल बी यूजलेस तो इस वीडियो में मैं तीस ऐसे स्किल्स आपके लिए इंट्रोड्यूस करूंगा इंट्रोड्यूस क्या आप इन सब के बारे में ऑलरेडी जानते ही हैं लेकिन मैं फिर से दोहराने की कोशिश करूंगा जो मेरे हिसाब से अगर आप अपने पूरे ट्वेंटीज में डिवोट कर देंगे टू तो एक्सेलिंग एंड इंप्रूविंग इन दोस्ट आपकी लाइफ सेट है चाहे आप उसके बाद कुछ भी करें किसी भी इंडस्ट्री में हो कहीं भी जाएं अगर आप इन तीस स्किल्स के मास्टर बन गए तो आप अपने करियर के मास्टर बन गए सबसे पहला नॉट सरप्राइजिंगली टाइम मैनेजमेंट मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत बार बात कर चुका हूं मेरा एक अपना कोर्स भी है लेकिन टाइम मैनेजमेंट ज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल इन लाइफ मैं फिर से दोहरा रहा हूं टाइम मैनेजमेंट इज दोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल इन लाइफ क्योंकि अगर आप अपने टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप जिंदगी भी किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास अपना वक्त ही नहीं है तो आपके पास कोई भी चीज करने का कभी ना मौका मिलेगा ना ही उसके लिए इंटेंट बनेगा ना ही उसके लिए मोटिवेशन आएगा जमेंट इज अ ग्रेट कोर्स इसको अठारह हजार से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ले चुके हैं इट्स अ चीप कोर्स बट इन टू आवर्स इट विल सेट यू अपॉर द फंडामेंटल्स जो आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानने जरूरी है नेक्स्ट चेंज मैनेजमेंट अगर पिछले दो साल में हमें बहुत क्लियरली कुछ पता चला है वो ये है कि दुनिया तो बदलती रहेगी ही और इस रूप में बदलेगी कि हम उसके लिए प्लान नहीं कर सकते हैं सो दी ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज टू मैनेज द चेंज दैट इज हैपनिंग आप कितने भी बिजनेस प्लान बना लीजिए कितनी भी एक्सेल शीट पे प्लानिंग कर लीजिए कितने भी स्केड्यूल बना दीजिए वो तो हिलके ही रहेगा लेकिन जब चेंज आता है आपकी दुनिया में आपकी लाइफ में आपके काम में तो आप उस चेंज को कैसे मैनेज करते हैं और उस चेंज को आप अपनी टीम अपने काम वाले अपने कॉलीग्स के साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं दैट इज एन इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी सॉफ्ट स्किल इन लाइफ तीसरा क्लियरली कम्युनिकेशन स्किल्स ये कोई ऑर्डर नहीं है तो मैं कोई रैंक वन रैंक टू नहीं कर रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स इज नेसेसरी एंड एप्सल्यूटली क्रिटिकल फॉर योर सक्सेस आप चाहे जो भी जानते हो अगर आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो कोई फायदा नहीं है आपके जानने का अगर आप अपने आइडियाज प्रजेंट नहीं कर सकते अच्छे से सुन नहीं सकते दूसरे लोगों का फीडबैक अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करके उसको वापस प्रजेंट नहीं कर सकते तो हर एक चीज़ बेफजूल है एंड दैट इज़ वाई कम्युनिकेशन इज द बेड रॉक ऑफ सॉफ्ट सॉफ्ट बेडरॉक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स जिसके फाउंडेशन पे ही हर एक दूसरा सॉफ्ट स्किल बनता है अब कम्युनिकेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है स्टोरी टेलिंग का काफ़ी बार आपने ये देखा होगा या ऑब्जर्व किया होगा कि मेरे वीडियोस में मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहानी जरूर पिरो रहा होता हूँ बिकॉज दैट इज़ द वे वी गॉट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड जब हम बच्चे थे तो हमारे माँ बाप नाना नानी दादा दादी हमें कहानियाँ सुनाते थे और उन्हीं कहानियों के चलते हमने दुनिया को समझने की कोशिश करी हमें पहले ए बी सी डी क ख ग ग एक दो तीन चार नहीं आता था हमें सिर्फ कहानियाँ सुनने को मिलती थी तो हमारे जहन में कहीं ना कहीं वो बच्चा छुपा रहा है या छुपा हुआ है जो कि सिर्फ कहानियों से ही सुनने की कोशिश करता है और जब भी हमें कहानी सुनने को मिलती है तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं इन कहानियों को अपने कम्युनिकेशन में कैसे आप पिरो सकते हैं कैसे आप उसको सीमलेसली मर्ज कर सकते हैं ये स्टोरी टेलिंग का कोर्स आपको सिखाएगा नेक्स्ट करिज्मा अपनी आंखें बंद करके ये सोचिए कि कौन कौन से ऐसे स्पीकर्स हैं हैं लीडर्स जिनसे आप बहुत प्रभावित हैं वो चाहे कुछ भी बोल रहे हो आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ अच्छा ही बोल रहे हैं कोई भी हो सकता है हिस्टोरिकल फिगर हो सकता है प्रेजेंट लीडर हो सकता है एंड वन थिंग दैट बाइंड ऑल ऑफ दैम इज समथिंग कॉल्ड करिज्मा एक ऐसी चीज जो आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते लेकिन फील जरूर करते हैं उनके चेहरे पे एक तेज होता है उनकी आवाज में कुछ ठोस बुनियाद सी होती है उनके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि आप एक तरीके से उनको सिर्फ सुनते ही रहे चाहे वो कुछ भी बोल रहे हो एंड दैट इज सच एन इंपॉर्टेंट इनग्रीडियंट फॉर यू टू हुक यू आर स्पीकिंग टू या कोई भी कनेक्शन या कोई रिलेशनशिप बनाना हो दैट इज वाई करिज्मा इज सच अ क्रिटिकल सॉफ्ट स्किल बिफोर यू टर्न थर्टी फॉर यू टू मास्टर नेक्स्ट जॉब कैसे ढूंढते हैं नेटवर्क्स को कैसे यूज करते हैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं दिस कोर्स विच इज द कंप्लीट रेज्यूम एंड लिंक्डइन कोर्स लगता है कि एक हार्ड स्किल है लेकिन उसमें बहुत सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स एम्बेडेड हैं क्योंकि जब भी हम एक रेज्यूमे लिखते हैं तो हम उसको दो तरीके से बना सकते हैं एक जो हार्ड स्किल्स वाला अप्रोच है वो है मैंने ये किया है मैंने ये पढ़ा है मैं यहां सक्सीड हुआ हूं खत्म लेकिन दूसरा सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट होता है जो कि होता है कि जो भी वो जॉब है जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसको कैसे मैं अपने रिज्यूमे और उस जॉब को कनेक्ट कर सकता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में करी हैं जो इस जॉब के लिए एप्लीकेबल है उसको मैं कैसे प्रजेंट कर सकता हूँ उसकी कहानी मैं कैसे प्रजेंट कर सकता हूँ उसके पूरे एक्सप्रेशन को उसके पूरे इमोशन को कैसे मैं व्यक्त कर सकता हूं ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट

हर एक इंसान की जिंदगी में होता है आप भी एक पर्सनल ब्रांड है फर्क सिर्फ यही है कि आपके पर्सनल ब्रांड को कुछ ही लोग अभी महसूस कर सकते हैं उसको फील कर सकते हैं लेकिन इट इज स्टिल देयर जब आप एक कमरे में स्टेप इन करते हैं अपनी एक प्रेजेंटेशन देते हैं अपने बॉस से मिलते हैं एक इंटरव्यू में जाते हैं आपका पर्सनल ब्रांड एक तरीके से झलकता है एंड दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप उस पर्सनल ब्रांड के ओनर बन सकते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो कैसे लोग आपके साथ इमोट करते हैं कैसे आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं कैसे आपको रिसीव करते हैं यू स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल ऑफ दैट राइटिंग राइटिंग एक ऐसी चीज है जो मैं बहुत चाव से करता हूं एंड इट इज ट्रेजिक कि बहुत सारे लोग हैं जो लिखना भूल चुके हैं क्योंकि हम सिर्फ टाइप करते हैं और शायद टाइप भी करते हैं तो टूटी फूटी इंग्लिश में ऑसम इज ए डब्ल्यू एस यू एम तो <laughs> मेरे हिसाब से अच्छा लिखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक सॉफ्ट स्किल है क्योंकि अगर आप अच्छे से लिख सकते हैं आप अपने थॉट्स को गैदर करके उनको स्ट्रक्चर कर सकते हैं उनको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं आपके अपने दिमाग में इतनी क्लैरिटी आती है कि आप बोलना भी क्या चाहते हैं क्यों तो हर एक वीडियो को फॉर इंस्टेंस बनाने से पहले मैं नोट्स लिखता हूँ मैंने लोट्स बोला गया नोट्स लिखता हूँ और ये नोट्स हेल्प करते हैं मुझे उस क्लैरिटी से कि मुझे क्या बोलना है कब बोलना है किस फ्लो में बोलना है बोलता मैं इम्प्रम टू हूं बिकॉज दैट हैज कम थ्रू एक्सपीरियंस बट दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट अगर मैं ये लिखूंगा ही नहीं ना तो मैं ऑल ओवर द प्लेस हूंगा मैं कहीं भी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं ला पाऊंगा इन माय वीडियोस जो आप लोगों को लगता है ऐसे ही आ जाता है लेकिन इट्स अ कॉन्शियस थाट ओनली अकम्पलिश थ्रू राइटिंग द पावर ऑफ डीप लिस्ट अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं एक अच्छे रिलेशनशिप ओनर बनना चाहते हैं तो आपको डीप लिसनिंग की कला को सीखना पड़ेगा पड़ागा पड़ेगा क्योंकि जब तक आप एक इंसान को सुनते नहीं हैं और ये नहीं समझते हैं कि सुनते क्यों हैं, जवाब देने के लिए नहीं समझने के लिए आप एक इंसान को इसलिए सुन रहे हैं ताकि आप जो वो कह रहे हैं उसको समझ पाए ये नहीं कि आप जो सुन रहे हैं उसका जवाब दे पाए एंड वेन यू गेट टू दैट पॉइंट पीपल लव यू दे लव यू क्योंकि उन्हें पहली बार ऐसा एहसास होता है कि कोई इंसान कोई शख्स उन्हें सुन रहा है एक ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा रेयर हो चुकी है इस दुनिया में एंड अगर आपके पास ये सॉफ्ट स्किल है यू आर गॉड इन्फ्लुएंसिंग एंडिंग आपको हर एक मकाम पर अपनी जिंदगी के किसी ना किसी को इंफ्लुएंस करना है चाहे वो सब्जी खरीदते हुए सब्जी वाले को इन्फ्लुएंस करना है कि थोड़ी सी अगर फ्री में ज्यादा धनिया और मिर्च मिल जाता या ट्राइंग टू तो नेगोशिएट विथ दम नेगोसिएशन पर भी एक अलग से कोर्स है जिसके बारे में बात करूंगा और यू ट्राई टू तो इन्फ्लुएस योर मैनेजर योर टीम मेंबर्स टू फॉलो तो अटन पाथ यू ट्राइन टू इंफ्लुएंस योर पार्टनर और योर स्पाउस टू गो फॉर अ सर्टन वेकेशन कोई भी हो इंफ्लुएंसिंग एंड परसुएशन एक ऐसी कला है जो अगर आप सीख जाए देन यू हैव अ वे ऑफ गेटिंग योर पॉइंट अक्रॉस इन अ मैनर कि लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आप उनपे अपनी दुनिया अपने चॉइसिस थोप रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस नेटवर्क एवरी थिंग बोज डाउन टू इमोशंस एक कंपनी में लोग काम करते हैं लोग एक एक्सल शीट पर डेटा पॉइंट नहीं है लोग लोग हैं उनके इमोशंस हैं उनके जज्बात हैं कभी वो खुश होते हैं कभी वो दुखी होते हैं कभी वो बहुत मोटिवेटेड होते हैं मोटिवेटेड होते हैं मोटिवेटेड होते हैं कभी वो नहीं होते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन इमोशंस को समझ पाएं जान पाएं स्पेशली एज अ लीडर इक्वली इंपॉर्टेंट एज अ कॉलीग क्योंकि जब तक आपके पास वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगी उनके इमोशंस को समझने की आप खुद के इमोशंस भी नहीं समझ पाएंगे एंड एवरी थिंग विल जस्ट बिकम रोबोटिक एंड एट टाइम विल स्टॉप वर्किंग नई दुनिया आ चुकी है कोविड की वजह से सब कुछ रिमोट जा चुका है ये दुनिया अब वापस नहीं जाने वाली हाइब्रिड जो है वो एक ट्रूथ बन चुका है आप कभी भी अब पांच छह दिन ऑफिस से काम नहीं करेंगे इन हफ्ता आप एक हाइब्रिड मोड में ही रहेंगे और उसके चलते अगर आपको ये नहीं पता है कि रिमोट टीम्स को कैसे मैनेज करते हैं उनको कैसे बाइंडेड रखते हैं उनको कैसे मोटिवेटेड रखते हैं कैसे उनसे काम करवाते हैं कैसे आप उन उनपे हावी नहीं हो जाते हैं यू विल बी मिसिंग अ मेजर जंक ऑफ द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज है इन द लास्ट ट्वेंटी ईयर्स इन द वर्क प्लेस क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ काम दिया जाता है और हम बिल्कुल गधों की तरह एंड मैं आपको गधा नहीं बुला रहा हूं लेकिन एक तरीके से बुला भी रहा हूं गधों की तरह हम उसको कबूल करके उस पर काम करना शुरू कर देते हैं हम कभी भी रुककर ये नहीं सोचते कि हमें वो काम क्यों दिया गया है उसका मकसद क्या है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उससे क्या होने वाला है एंड वी वेरी रेयरली ट्राई एंड स्टॉप एंड थिंक अबाउट इट क्रिटिकली क्रिटिकल इसका मतलब नहीं है कि आप उसमें गलतियां निकाल रहे हैं नुक्स निकाल रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब कि आप अपने ऊपर वो पूरा प्रेशर डाल रहे हैं फॉर यू टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग दैट यू हैव हैव बीन आस्क्ड टू टू डू एंड दैट यू सॉल्व फॉर बहुत बहुत ही वैलिड सॉफ्ट स्किल क्रिएटिविटी डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट डिजाइन थिंकिंग लेकिन एक ऐसा प्रोसेस एक ऐसा सोचने का प्रोसेस जो कि कंज्यूमर से शुरू होता है डिजाइन एंड क्रिएटिविटी जैसे आप कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं तो वो एक डायरेक्ट सलूशन हो सकता है लेकिन एक क्रिएटिव सलूशन भी हो सकता है क्रिएटिव सोल्यूशन बहुत अलग होते हैं आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। आप लिफ्ट के सामने खड़े हैं और ये लिफ्ट ना बहुत स्लो है तो आपने नंबर आठ दबाया और लिफ्ट अभी आ रही है जा रही है एंड यू आर फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि रोज आपको इसी लिफ्ट के सामने नंबर आठ को जाने के लिए खड़ा होना पड़ता है दस पंद्रह मिनट वेट लॉस्ट हो जाते हैं नाउ इफ यू आर गिवन दिस प्रॉब्लम कि भैया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं गालियां दे रहे हैं देन योर नेचुरल डिफॉल्ट विल भी लिफ्ट को तेज कर दो दैट इज वॉट कॉल्ड स्ट्रेट लाइन थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग या डिजाइन थिंकिंग होगी कि प्रॉब्लम क्या है जो सॉल्व करनी है फास्ट लिफ्ट नहीं वेटिंग पीरियड दैट पीपल है ना तो उनके पास कुछ होता नहीं है ना सडनली इफ यू गिव दम समेर इज अ स्क्रीन दैट इज शोइंग सम नाइस मूवीज या सम नाइस सॉन्ग्स और मे बी देर इज सम्यूजिक प्लेइंग इन द बैकग्राउंड या आप उनको कुछ

मैं बोलने वाला था किस खेत की मूली है लेकिन मैं किस चीज की मूली है किस खेत की मूली है इसको कैसे एक्वायर किया जाता है कैसे बिल्ड किया जाता है दिस कोर्स विल टीच यू एवरीथिंग एंड विल अलाउ यू टू प्रैक्टिस एज वेल ब्रिलियंट सॉफ्ट स्किल टू हैव आस्क बेटर रिलेशनशिप्स मैं क्वेश्चन का आशिक हूं मुझे क्वेश्चन से बेहद प्यार है क्योंकि जब हम अच्छे सवाल पूछते हैं हम एक स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं अगर आप सही सवाल पूछ पाते हैं तो आपके जवाब जो हैं वो धीरे धीरे आपको नए सवालों पे ले जाएंगे जिससे आप एक नई दिशा एक नए हाइट पर पहुंच पाएंगे इफ यू आर अ गुड क्वेश्चन सीकर देन यू विल एक्चुअली गेट टू बेटर एंड बेटर सोल्यूशन एंड बेटर प्रॉब्लम्स नेगोशिएशन सीक्रेट्स मैंने इसके बारे में बताया था नेगोशिएटिंग इज सो इंपॉर्टेंट सैलरी के लिए प्रमोशन के लिए ऑपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप एक अच्छे नेगोशिएटर हैं तो यह कोर्स आपको यह बताएगा कि नेगोसिएशन के बेसिक्स क्या है उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं जो कि प्रूवन है टू वर्क एन देन यू कैन गेट स्टार्ट ऑन अ वरफुलगोशियटिंग एक्सपीरियंस अजर्टिवनेस अजर्टिवनेस है एक ऐसा तरीका जिससे आप अपने विचार अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियरली बहुत कॉन्फिडेंटली दूसरे पॉइंट दूसरी पार्टी के सामने रखते हैं पार्टी दूसरी पार्टी के सामने दूसरी टीम के सामने दूसरे इंसान के सामने रखते हैं बट इट डजेंट कम अक्रॉस एज एरोगेंस इट डजेंट कम अक्रॉस एज रूड क्योंकि बहुत ही फाइन लाइन है मैं ये नहीं करूंगा इज रूड बट अजर्टिवनेस विल ट्विस्ट दिस टू सम विच इज नॉट यू रूड बट कॉन्फिडेंट आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को निभाते हुए विदाउट बीइंग इकोइिक अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर पाएंगे राइट बेटर ई मेल्स ई मेल्स कहीं नहीं जाने वाले हैं अगर आप ई मेल लिखना नहीं जानते हैं आप जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल नहीं जानते हैं मैं कॉल्ड ई का आशिक हूं बहुत बार आपने सुना होगा सो मेनी ऑपरचुनिटीज गेट क्रिएटेड क्योंकि आप एक ऐसे इंसान को ई लिखते हैं जो आपको जानता भी नहीं है बट इफ़ यू डू अ गुड जॉब इट कैन ओपन अपल न्यू वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर यू रिसीविंग फीडबैक फीडबैक इतना जरूरी है ग्रोथ के लिए देना ताकि आप एक ऐसे इंसान को बता पाएं कि वो कहाँ शायद गलत हैं और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं लेना ताकि आप खुद ये जान पाएं कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कौन कौन सी खामियां हैं जिसपे आपको काम करना पड़ेगा दिस इज सो 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 क्रिटिकल एंड इट इज अ स्किल टू अक्वायर जो हर एक इंसान नहीं जानता है लेकिन अगर आप जान सकते हैं इट विल सेट चू अप फॉर लाइफ बी अ ग्रेट मेन्टोर जो सारे आप कोर्सेज हैं ये जो सारे सॉफ्ट स्किल्स हैं दे आर नाउ गेटिंग टू द नेक्स्ट लेवल एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर से लेकर एक नेक्स्ट लेवल दैट ऑफ अ लीडर दैट ऑफ अ मैनेजर एक मेंटर होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल सेट है क्योंकि इवेंचुअली दोस्तों आप चाहे जो कुछ भी कर रहे हो आपका काम लोगों को मैनेज करना ही होगा एंड इफ दैट देन यू हैव नो चॉइस बट टू बिकम अ गुड मेंटर यू हैव नो चॉइस बट टू बिकम अ गुड लीडर एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर यू टू गेट देयर इंटरव्यू ट्रेनिंग लोगों को कैसे इंटरव्यू में परखते हैं दिस इज नॉट अबाउट गिविंग इंटरव्यूज बट टेकिंग इंटरव्यूज आप कैसे अच्छे सवाल पूछकर एक इंसान को जान सकते हैं उसके स्किल्स को परख सकते हैं वो इंसान कैसा है ये जान सकते हैं विल दे मेक अ गुड टीम मेंबर वो जान सकते हैं ऑल ऑफ दिस सो सो इंपॉर्टेंट फॉर बींग एन इफेक्टिव लीडर

सारी जो स्किल्स हैं क्वालिटीज हैं स्ट्रेंथ्स हैं उनको जान पाते हैं कैसे काम उनमें बाइफोकेट कर पाते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं कैसे हर एक शख्स को जानने की कोशिश करते हैं और उसके थ्रू एक वेल फ्लैज केपेबल टीम बना पाते हैं ऑल ऑफ दिस इन दिस कोर्स बिकम अ मास्टर एट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट अगर आप एक कॉन्फ्लिक्ट में हुए हैं या अपने आप को कभी भी पाया है देन यू नो हाउ हार्ड इज इट टू मैनेज दैट क्योंकि दो लोग भिड़ रहे हैं इंटेलेक्चुअली भिड़ रहे हैं ऑफकोर्स फिजिकल भिड़ना तो ऑफिस में नहीं होता है होपफुली नहीं होता है बट इंटेलेक्चुअली भिड़ रहे हैं भिड़ रहे हैं भिड़ रहे हैं डिबेट हो रहा है शायद वो रूड भी हो चुका है एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज देयर मैनेजर इवन एज एयर कॉलिग उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज किया जाए इज अ स्किल इज अ स्किल दैट वी आर नॉट नॉट इन स्कूल एंड कॉलेज इज अकिल दैट वी विल ओनली लर्न द हार्ड वे इन लाइफ एंड दिस कोर्स कैन बी अ ग्रेट शॉर्टकट टू लर्न दैट इफेक्टिव डेलीगेशन सारा काम आप खुद तो नहीं कर पाएंगे किसी ना किसी पॉइंट पे आपको वो काम किसी और को देना ही पड़ेगा और उनपे विश्वास करना पड़ेगा कि वो काम को अच्छे से कर पाएंगे दिस इज दे दैट यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ डेलीगेशन ग्रेट स्किल टू हैव नेरी स्किल अगर आप एक नए नए मैनेजर बने हैं द बेसिक्स एंड मोर ऑफ बिकमिंग अ ग्रेट लीडर ब्रिलियंट कोर्स विच विल इंट्रोड्यूस यू टू हाउ टू थिंक अबाउट योर रोल एज अ न्यू लीडर एज अ न्यू मैनेजर उसी के चलते मैनेजमेंट स्किल्स न्यू मैनेजर ट्रेनिंग इन एसेंशियल स्किल्स ये सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स को दोनों कंबाइन करके एक बहुत ही खूबसूरत सा कोर्स है विच विल टेल यू ओवर इलेवन आवर्स कि कौन कौन सी चीजें हैं कौन कौन सी बारीकियां हैं जो जाननी जरूरी हैं फॉर यू टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ एज अ गुड लीडर एज एन इफेक्टिव लीडर एंड बी ट्रस्टेड योर टीम टीम लीडरशिप टीम मैनेजमेंट स्किल्स ये सारे अलग अलग कोर्सेज स्पेसिफिकली ऑन जस्ट बिकमिंग अ टीम लीडर बिकमिंग अ टीम मैनेजर वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्किल सेट ऑफ योर लाइफ चाहे आप कोई भी रोल में हो कुछ भी कर रहे हो इफ यूर अर्ली इन योर करियर और आप मैनेजरियल या लीडरशिप स्किल्स पे अपने आप को होन करना शुरू करेंगे यू विल सेट योर सेल्फ अप फॉर अ फार फास्टर करियर प्रोग्रेशन देन मोस्ट अदर्स एंड फाइनली एक ऐसा कोर्स जो 30 घंटे में आपको ये सारे जो सॉफ्ट स्किल्स हैं दे कम टूगेदर एंड बॉइल डाउन टू 11 एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स एक ऐसा कोर्स जो हर एक चीज को कंबाइन करके आपको वो बेसिक समरी एंड फाउंडेशन देता है फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट आर सॉफ्ट स्किल्स हाउ क्रिटिकल दे आर इन योर करियर एंड हाउ यू कैन डेवलप देम ये जो सारे कोर्सेस हैं दोस्तों ये आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड एंड अप्रीशिएट द पावर ऑफ सॉफ्ट स्किल्स अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल और कॉलेज में सॉफ्ट स्किल्स पे एम्फोसिस नहीं होता है अगर होता भी है तो बहुत ही बेसिक लेवल पे होता है बट ओवर टाइम हम वो सारे सॉफ्ट स्किल्स ऑन द जॉब सीखते हैं इसकी वजह से बहुत गलतियां होती हैं इसकी वजह से शायद हम एक ऐसी पोजीशन में अपने आप को पाते हैं जहां वी आर रेप्रमांडेड वी गेट पीनिलाइज फॉर मेकिंग रॉन्ग डिसीजन रॉन्ग एक्शंस एंड मैं नहीं चाहता कि आप कभी भी उस पोजीशन में हो विच इज वाई थ्रू दिस वीडियो एंड थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सॉफ्ट स्किल्स मैं आपको एक तरीके से फोर वार्निंग देना चाहता हूं कि अपने तीस साल की उम्र से पहले पहले ये सारे सॉफ्ट स्किल्स के अगर आप मास्टरी पा लेंगे यू विल बी अ रॉक स्टार क्योंकि ये तो मुझे दावे के साथ क्योंकि ये तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपके पास हार्ड स्किल्स हैं टू अकम्प्लिश एंड टू सक्सीड लेकिन सॉफ्ट स्किल्स जो हमें सही ढंग से नहीं सिखाए गए हैं इज गोइंग टू बी द ओनली मिसिंग चिंक इन योर आर्मर और अगर आपने वो वेपनरी और वो एंड एमिनेशन अपने लिए बना लिया देन आपको किसी भी जंग में कोई भी हरा नहीं सकता आई होप दिस वॉज यूजफुल अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ सब्सक्राइब करना ना भूलें हर हफ्ते में पर्सनल फाइनेंस स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा